तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में, इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा कनेक्शंस। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था नॉर्मल डेटा कनेक्शंस में कि किस तरह से एक सेल को दूसरे से कनेक्ट करते, लिंक करते हैं, और आपने उसको यूज किया था। उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, वेब ब्राउजिंग में मेरा एक्सेल हैंग हो गया था, तो उसको आप लोगों ने करके देख लिया होगा आई थिंक। और आज जो है हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उसी में किस तरह से क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि हम किसी एक्सेल को एक्सेल से भी लिंक कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिवट टेबल, माफ कीजिएगा, हाँ, डेटा कनेक्शन में गए तो हम नॉर्मल लिंक करने के बजाय हम फ्रॉम एक्सेस के जरिए, और हमने यहाँ पे एक्सेस डेटाबेस के जगह पे ऑल फाइल सेलेक्ट किया और अपने लोकेशन पे जाते हैं। स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपकी। ओ सॉरी, तो डेटा को सिलेक्ट करके हमने ओपन कर लिया सी नंबर, ये पूरा का पूरा डेटा आ जाता है हमारा, ठीक है, पूरा का पूरा डेटा आ जाता है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें हम पूरा डेटा नहीं लाना चाहते हैं, हम एक कंडीशनल डेटा लाना चाहते हैं। कंडीशनल डेटा लाना चाहते हैं, तो कंडीशनल डेटा कैसे ले, मतलब कि हम चाहते हैं कि इसमें जो है ना सिर्फ एक जैन का डेटा है, एक पर्टिकुलर मंथ का डेटा है, या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेटा है, क्योंकि हम लिंक करते थे पूरा, जैसे डेटा कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट कर देता है, मतलब एक डेटा ले आता है। लेकिन हो सकता है ना कि बड़े बड़े फाइल्स, उसमें से थोड़े डेटा चाहिए हमें। उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जब हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो उस कनेक्शन क्रिएट करते समय हम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के जरिए कनेक्शन क्रिएट करते हैं। यहां डेटा कनेक्शन में आते हैं और यहां हम अदर सोर्सेस में जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे क्लिक करते हैं। अब इसमें कई सारे कि आपको न्यू सोर्स कोई है जो इसका रिकॉर्ड नहीं है इसमें, या डी डेटाबेस है, या एक्सेल फाइल है, या एक्सेस है, ना एक्सेल फाइल्स है, एक्सेल फाइल्स से करता जा रहा है, देन ओके कीजिए। अब यहां से आपको फाइल नेविगेट करना है, यहां पे आपके फाइल के टाइप्स हैं और यहां पे आपके ड्राइव्स हैं। तो ड्राइव में हमारा डेस्कटॉप पे डेटा डॉट एक्सएमएल जो दिख रहा है वो है, हम इसको ओके करते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, तो यहां पे कुछ ही दिखे आएगा आपको, नो टेबल का मैसेज भी देगा। तो फ्रॉम इसमें ऑप्शन पे जाइए और यहां सिस्टम टेबल देखिएगा अनचेक होता है, इस सिस्टम टेबल को चेक कर लीजिए। ठीक है, सिस्टम टेबल को चेक कर लीजिए। देन ओके कीजिए, यहां आ जाएगा फिर। अब ये सीट वन का डेटा है क्योंकि एक बार में किसी एक सीट से लिंक कर सकते हैं, तो देखिए आपके पास कि अगर आपको पूरा का पूरा चाहिए ऑल, तो ऑल कर लीजिए, या कोई पर्टिकुलर कॉलम आपको नहीं चाहिए वो भी रख सकते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, देन अप्लाई द कंडीशन। जैसे मैं मंथ में इक्वल टू जैन करता हूं, इक्वल टू जैन, देन नेक्स्ट,
फिर सॉर्ट बाय कि किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, रखना ठीक है वरना कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट एंड रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट डेटा फिनिश एंड ओके। तो ये सिर्फ जनवरी का डेटा दिया, समझ में आया? जी सर। सर मुझे एक थोड़ा समझा नहीं इसमें, ये तो फिल्टर से भी हो जाएगा उसी सीट पे, तो इतना करने की क्या जरूरत है? फिल्टर से उसी सीट पे हुआ है, हमें उस सीट पे नहीं करना है, हमें अलग किसी अलग फाइल पे करना है। ओके ठीक है, तो ये दोनों सीट पे रन होगा, उधर चेंज करूंगा तो इधर चेंज हो जाएगा क्या ऑटोमेटिक, कि रिफ्रेश करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके ओके, तो फिर हम पाइलट पाइवट भी लगा के कर सकते हैं, राइट? सेम थिंग। ओके ठीक है सर, ठीक है, लेकिन ये अदर वे अराउंड है। ओके ठीक है। दूसरा चीज ये है कि अभी क्या है कि मुझे यहां पे फरवरी का डेटा चाहिए, तो क्या मैं दोबारा मुझे निकालना पड़ेगा क्या? फरवरी का डेटा चाहिए तो दोबारा निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं, मैंने यहां पे मंथ दे दिया और P1 पे मैं बोलता हूं यहां पे फैब लिख दिया। मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे चेंज करूं फैब तो ये पूरा चेंज हो जाए, मार्च तो पूरा चेंज हो जाए। तो उसके लिए आपको इसकी डेवलप इसमें डेटा मेनुवार में इसकी कनेक्शंस के अंदर में जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज होगी। देखिए डेटा का क्या है ना, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए और डिफिनेशन, सॉरी ये नहीं है, आई थिंक डेटाबेस 16 नहीं, डेटाबेस 16 भी नहीं होगा, ये होगा क्लास फाइल होगा ना चाहिए, नहीं हाँ माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी फॉर्म एक्सेल फाइल प्रॉपर्टीज डेफिनेशन। ये देखिए यहां पे सीक्वल क्यूरी का इस्तेमाल किया गया, अगर आपको सीक्वल क्यूरी आता है तो आप इजीली समझ जाएंगे, नहीं आता है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, सबसे नीचे आइए, यहां पे कंडीशन है वेयर कमांड कंडीशन, याद रखिएगा वेयर कमांड सीक्वल का कंडीशन कमांड होता है, एक्सेल में से इफ होता है ना ऐसे सीक्वल में वेयर होता है। तो सीट मंथ इक्वल टू जैन, बस इस जैन को कोड के साथ सिंगल कोड के साथ डिलीट कर दीजिए, इसके जगह पे आप 10 क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, जैसे क्वेश्चन मार्क डाल के ओके करेंगे आपसे पूछेगा पैरामीटर, तो पैरामीटर में आप जो जहां पे चेंज करना चाहते हैं या ड्रॉप डाउन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें और यहां पे यूज दिस वैल्यू एंड रिफ्रेश ऑटोमेटिकली एंड ओके कीजिए एंड क्लोज कीजिए। अब यहां पे फैब के जगह पे मैं मार्च लिखूंगा तो डेटा मार्च का आएगा, अप्रैल लिखूंगा तो डेटा अप्रैल का आएगा। अब जैसे बोल रहे थे कि फिल्टर से भी हो सकता था, अब चलिए इस पे हम एक बार नजर मारते हैं। नहीं समझ गया सर मुझे इसका क्या यूज है, तो आप लोग समझ गए, बाकी को हो सकता समीप से भी हो सकता था, लेकिन समीप में बहुत सारे फार्मूले लगाना पड़ेगा, इधर इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं सम इफ तो सिर्फ आपको समरी देता ना, जोड़ के देता ना, ये डेटा दे रहा है आप, ये पूरा डेटा दे रहा है। यस तो यहाँ पे बेसिकली क्या है इसका यूज है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डंप फाइल है कॉम्प्लिकेटेड सिक्योर और काफी ज्यादा हेवी, ठीक है 10,000 MB, 10 आपको 8 लाख 7 लाख 6 लाख फाइल का है, जैसे उस फाइल को ओपन करते हैं ऊपर कैलकुलेटिंग परसेंटेज घूमता रहता है, ओपन होने में 10 मिनट लगाता है, कुछ भी फिल्टर लगाओगे फिर चलाओ 10 मिनट लगाएगा आपको, ठीक है। तो फिर से सारा के सारा 10 मिनट बेस करना और सारी प्रक्रिया को फिर से करना थोड़ा सा इटरेशन इटरेट कर देता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि काम करने का मूड खराब कर देता है,
पहला रीजन। दूसरा रीजन कि आप एक चीज किसी और को दे रहे हो कि पुट हियर द एंटर आउट, आप अपना डेटा देख सकते हो। डेटा शेयर ड्राइव में किसी सिक्योर फोल्डर में रखा हुआ है, ठीक है, आपका डेटा सिक्योर है। क्या ठीक है सर, बढ़िया ये सर। हो एक चीज मैं पूछ रही थी, मेरे को सीक्वल में एसक्यूएल का थोड़ा बहुत आता है सर, पर ये आपने वेयर कंडीशनर क्वेश्चन मार्क लगाया, ये क्वेश्चन मार्क एसक्यूएल में भी लगता है या इसी में लगाइए? एसक्यूएल में लगता है। क्वेश्चन मार्क लगाने का रीजन ये होता है कि व्हेन द रनिंग टाइम आप उसको इनपुट कर सकते हो। ओके सर, ठीक है। जैसे कि एक्सेस में आप बड़ी कोटेशन मार्क में कोई ऐसा फिल नेम लिख दो, है नहीं, रन करने से पॉपअप देता है ना, इनपुट बॉक्स टाइप का डाल सकते हो, वही होता है। हाँ जी, तो समझ इसकी गया। बेनिफिट आप इस उठा सकते हो। अगर आपको सीक्वल क्यूरी आती है तो इसमें कुछ और भी कमाल कर सकते हो आप। पूछो कैसी कमाल कर सकते हैं, तो कमाल के लिए हम आपको एग्जाम्पल बताना पड़ेगा मुझे। तो एग्जाम्पल में बेसिकली हम यहां बात कर रहे हैं कि हमने यहां पे दो फाइल लेते हैं, एक फाइल लेते हैं। अभी क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेबल कभी भी एक फोल्डर पे लग एक ही फाइल पे लगेगा, दो फाइलों को आप मिक्सअप नहीं होगा, दो एक ही सीट पे लगेगा, दो सीट पे नहीं लगेगा। ये मेरे पास क्या है कि मेरे पास D1 डेटा वन एंड यहां पे डेटा टू है, तो मैं रिलेशन कर सकता हूं लेकिन मैं कुलेट करके पिवट नहीं लगा सकता। जैसे मान लीजिए ना कि मेरे पास मंथ है और यहां पे प्रोडक्ट है, नहीं मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है और इस मंथ वाइज हमारा सेल है जैन से दिसंबर तक, और प्रोडक्ट 1, 2, 3 ऐसे अंदाजे थे ना। पहला जो है मेरा प्रोडक्ट 20 तक है और इसकी डेटा में डाल देता हूं, कॉपी, वैल्यू पेस्ट बाद में करेंगे। फिर इसको कॉपी किया, डेटा टू जो है हमारा इस पे जो है हमारा P21 से, ठीक है, वैल्यू पेस्ट, और इस फाइल को मैं सेव करता हूं। जिसमें कर दो यहां पे मैं ये लेता हूं 97.3 बगपू और यहां पे MSQ के नाम से, MSQ एक लोकेशन देते हैं, उस लोकेशन में डाल देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना होता है कि दोनों डेटा को कुलेट करना होता है, मतलब कि मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और इसमें पेस्ट करता हूं, फिर मैं दूसरे सीट पे जाता हूं, दूसरे डेटा को उठाता हूं और फिर इसको कॉपी करता हूं, फिर इसके नीचे पेस्ट करता हूं, तब जाके मैं पिवट लगाता हूं और डेटा मेरा हर बार चेंज होते रहता है, समझे, इंक्रीज होते रहता है। अभी 39 तक है तो कुछ और नीचे हो सकता है, या मंथ इंक्रीज होते रहता है, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। मैं कहता हूं कि ये ऑटोमेटिकली यहां पे कंबाइन होके डेटा आ जाए ताकि मैं इस पे पिवट और बाकी चीजें लगा सकूं और लिंक भी रहे। प्रॉब्लम समझ में आ गया?
आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया? सर या समझ गया। हाँ जी सर। अब इसका सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ चलते हैं, देखते आता हूं आपको। तो मैं यहां पे फ्रॉम एक्सेस में क्यूरी पे आता हूं, एक्सेल फाइल एंड ओके, और मैं यहां पे एमएस क्यूरी डॉट एक्सेल सेलेक्ट करके ओके करता हूं, और किसी एक टेबल को लेता हूं, सारा लेने की जरूरत नहीं है, किसी एक टेबल को लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहां दिखते आपको कि एडिट डेटा टू क्यूरी विजार्ड, पहले भी कर सकते हो आप, लेकिन मैंने यहीं पे डाल दिया, नेक्स्ट कर लिया एंड फिनिश। तो एक अलग से आपको यहां पे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का खुल जाएगा जिसमें डेटा रहेगा। आप इसके एसक्यूएल पार्ट में क्लिक करेंगे तो यहां देखिए एसक्यूएल क्यूरी है, दिखा है कि डी वन डॉट प्रोडक्ट डी वन डॉट फलाना फलाना। लेकिन इसी में हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस फाइल, समझ गए? आप क्यूरी पता होगा, पता है स्टार मतलब ऑल, लेकिन मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर मंथ छोड़ना है तो फिर वही जो ये था कंट्रोल जेड करते ये जो था इसी को लेना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है? ये एक एक कॉलम बाइट है, लेकिन मुझे चाहिए पूरा चाहिए तो स्टार लगा देते हैं, स्टार फ्रॉम ए। अब इसको कॉपी करते हैं और नीचे इसको पेस्ट करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं। तो यहां पे सिलेक्ट फ्रॉम ए हमने देखा, इसने दे दिया, पता है इसमें हमने इसको एक्सएलएस एक्स मतलब कि 97 से 2007 के फोल्डर में क्यों सेव किया, फॉर्मेट में क्यों सेव किया, ताकि इसका पाथ आ जाए, मतलब कि जरूरी नहीं है कि विद इन फाइल ही आप दोनों पे लगा सको, आप एक फोल्डर में कई सारे फाइलों पे भी ये काम कर सकते हैं, बस फादर। लेकिन 2016 के फॉर्मेट में जो एक्सएलएस एक्स के फॉर्मेट में करेंगे तो सिर्फ जो सीट का नेम आता है, ये फाइल पाथ नहीं आता, फाइल पाथ हमें खुद से देना पड़ता है। तो फाइल पाथ देने का फॉर्मेट आपके सामने है, समझ गए? दोनों यहां पे हम क्या करेंगे कि डी वन के जगह पे डी टू और ऑल्सो डी टू, और इनमें हम यूनियन ऑल कर देते हैं। यूनियन ऑल क्या होता है कि दोनों को क्लब कर देगा, और सिर्फ यूनियन क्या करता है कि दोनों में जो कॉमन है उसको छोड़ के जो अनकॉमन है वो दिखाएगा, यही करता है रणदीप जी यूनियन। सर मेरे को डिस्टिंक्ट याद है, यूनियन ही याद नहीं है मेरे को। हाँ यूनियन यही करता है, आप करके देख लीजिएगा क्योंकि एक्सेस में तो यही करता है। सही है, एक्सेस का ही टेबल है खोना ना, एक्सेस में भी इतनी क्वेरी चलती है ना, जैसे टेबल खुला एमएस क्वेरी में। Then, हम इसको ओके करते हैं। Also, okay. अब देखिए यहां पे दिख गया ना आपको, कंबाइन हो गया 20 के बाद, देखिए 21 आ गया। बस इसमें आपके जो ये सीक्वेंस है किसका मंथ का वो सेम होना चाहिए, वरना नहीं चलेगा। फिर इसको रिटर्न टू डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कीजिए, फिर यहां पूछेगा कि टेबल चाहिए या पिवट टेबल चाहिए। अगर डायरेक्ट पिवट टेबल लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट पिवट टेबल लगा सकते हो, समझ गए? तो इसी तरह से और आप माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का इस्तेमाल करके इसका यूज कर सकते हो। किसी को डाउट सर? जॉइंट यूज हो जाती है सर वैसे इसके अंदर एसक्यूएल में, ज्वाइन कमांड भी तो यूज हो जाती है सर। इंटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन जो होता है वो होता है रिलेशनशिप के लिए, कुलेशन yes, सर, exactly, सर। कुलेशन के लिए नहीं होता है, और यहां हमें कुलेशन करना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अब आप इस क्यूरी में अपना सर थोड़ा क्या सर? थोड़ा हेवी हो गया आज, थोड़ा क्लियर कर दो। क्या कर दो? समझा तो, लेकिन एक
लिंक शेयर कर दो सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। कर देता हूँ। फिर हम कल जो है आपके साथ हाँ यार थोड़ा एडवांस डेटा वैलिडेशन को कवर करेंगे।